वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के न्यूज़ को लेकर के बारे में। यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूपी में मैनेजमेंट कोटे की सीटों पर छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई बंद। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। इस पूरी न्यूज़ पर जाने से पहले आप सभी को मैं बता दूँ, आपकी आगामी जो आने वाली परीक्षाएँ हैं यूपी TET, CET, DL8 चौथा सेमेस्टर और DL8 तीसरा सेमेस्टर, इन सभी की PDF फाइल्स के लिए आप मुझसे 8081743734 पर कांटेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहां से भी आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों अगर बात की जाए यहां पर इस न्यूज़ के बारे में, तो लिखा है उत्तर प्रदेश में मैनेजमेंट कोटे की सीटों पर छात्रवृत्ति और शुल्क की भरपाई की सुविधा जो है वो बंद करने का फैसला ले लिया गया है। अभी हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें भविष्य में जो छात्रवृत्ति है उससे पूरी तरीके से वंचित रहना होगा। अभी जिनकी नहीं आ रही है वो बात अलग है, ठीक है। बाकी थोड़ा हम ये भी बात कर लेंगे कि आपकी स्कॉलरशिप की डेट को लेकर के कि क्या कुछ अभी तक की न्यूज़ मिली है, जो डेट एक्सटेंड को लेकर के बात हो रही थी। इसमें लिखा है कि अनुसूचित जाति के छात्रों पर यह नियम जो है वो चालू सत्र में ही लागू होगा। मतलब अगर आप ST की बात करते हो, SC की, तो उन पर, उन स्टूडेंट्स पर अभी से लागू होगा, जबकि अन्य सभी वर्गों के लिए ये जो नियम है वो अगले सत्र से लागू कर दिया जाएगा। नए प्रावधान से निजी संस्थानों में दाखिला लेने वाले हजारों छात्र प्रभावित होंगे। अब सीधे सीधे समझते हैं कि कौन है वो छात्र। लिखा है यहाँ पर निजी संस्थानों में मैनेजमेंट कोटे के 15% सीटें भरे जाने का प्रावधान है। प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं 15% जो है सीट होती है आपको मैनेजमेंट कोटे से। इन सीटों पर अधिकतर अनिवासी भारतीय यानी कि जो NRI होते हैं और प्रवेश परीक्षा में निचले रैंक पाने वाले जो विद्यार्थी हैं वो शामिल होते हैं, वो दाखिला लेते हैं। केंद्र सरकार ने मैनेजमेंट कोटे की सीटों या बिना काउंसलिंग के सीधे, दो चीज़ें हैं। अगर आपने मैनेजमेंट कोटे से जो है एडमिशन लिया है, DL8 2019 की भी बात हो रही है, 18 की भी बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी क्या है 2017 बैच में जिन्होंने लिया है वो तो कहीं ना कहीं एक तरीके से निकल जाएंगे, ओके। बाकी 18-19 की अगर बात की जाए तो काउंसलिंग में लेना, दाखिला लेने वाले, हाँ, लेकिन 17 वाले प्रभावित वो होंगे जो कि SC जाति से होंगे। दाखिला लेने वाले छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की जो सुविधा है वो बंद कर दी है, चूँकि अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई की राशि का एक बड़ा हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार देती है, इसलिए उनके मामले में यह प्रावधान इसी सत्र से लागू कर दिया गया है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ यहाँ पर कि किस किस उसमें लागू कर दिया जाएगा, और संशोधन में इसको जो है शामिल भी कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसके पहले भी जो इसमें शामिल हैं, जो डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं या फिर अगर आप बात करते हो मैनेजमेंट कोटे से गए, मैं पहले भी बोलता था कि ये चीज़ें आपकी रिस्की हो सकती हैं, खासकर जब मैं डायरेक्ट एडमिशन को लेकर के बात करता था। ऐसे में अब आप छात्रवृत्ति के लिए पूरी तरीके से अप्लाई नहीं कर पाओगे। दोस्तों इतना ही था आज के इस वीडियो में। DL8 चौथे सेमेस्टर का जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलता रहेगा यहाँ पे। बाकी आप PDF फाइल्स के लिए मुझे उस पर्टिकुलर नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर स्कॉलरशिप की डेट को लेकर के बात की जाए तो अभी कोई अपडेट नहीं है, जो 10 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।